प्रणाम सत श्री अकाल पर नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष। दोस्तों आज मैंने संसारवासी क्यों कहा, क्योंकि जब चर्चा कोविड-19 की है तो हमारा पूरा संसार ही जो है हमारा परिवार है। तो इसलिए जो भी देश विदेशों में कहीं भी ये यूट्यूब चैनल देख रहे हों तो सभी का स्वागत है और सब तक ये मैसेज पहुँचे। बात रही कोविड जीनोम की, या उससे पहले हम बात करते हैं, जैसे अभी कोई आए थे विदेश से तो उन्होंने जो है चेक हुआ उनका दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वो पॉजिटिव नहीं थे। उसके बाद में वो जयपुर गए और जगह गए, उन्होंने नमाज अदा करी और कई जगह पे गए और उसके बाद में वे पॉजिटिव पाए गए। इसी प्रकार से कनिका कपूर का जो दूसरा केस रहा कि जब वो मुंबई पहुंची तो मुंबई में वो कोरोना नेगेटिव थी, जो उनका थर्मल टेस्ट हुआ वो नेगेटिव थी, और उसके बाद में जो वो लखनऊ पहुंची तो उसके बाद में वो पॉजिटिव पाई गई। तो यहां क्या हमें जो समझने की बात है वो क्या है, और हमारे जो जो हमारा पैराफर्नेलिया है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मैं यही चाहूंगी कि ये मैसेज पहुंचे वहां तक कि कोई भी फॉरेनर है, अगर हम भारत में इस बीमारी को रोकना चाहते हैं, पूर्णतः हम चाहते हैं, तो हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो भी जैसे ही कोई फॉरेनर आ रहा है तो उसको वहीं पर जो है 14 डेज का क्वारंटाइन कर देना चाहिए, और कम से कम एक वीक का तो होना ही चाहिए कि अगर वो कैरियर है तो वह सिम्टम्स आ जाएंगे, ताकि इस तरह से यह फैले नहीं, क्योंकि जो पर्सन है उसको खुद को पता नहीं है कि वो कैरियर है, और जो थर्मल टेस्ट है उसमें वो नेगेटिव निकल जा रहा है लेकिन लेटर ऑन सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसके लिए यही है कि जहां पर भी जैसे ही आ रहा है तो वहीं उसी स्थान में, उसी सिटी में उनको जो है क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, ताकि वो ओपनली और जगह पे विचरण न कर सकें और इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल, उनका इंटरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ना हो सके, वो लोगों से ना मिल सके। पहले उनको 14 दिन का क्वारंटाइन करके उसके बाद ही उन्हें जो है जाने दिया जाए। तो इससे हम जो है लार्ज स्केल पे अपने देश में जो है स्प्रेड होने से बचा जाएगा। अब बात रही कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में और जगह पे, जैसा कह रहा है कि चाइना ने भी जो है मेडिसिन बना ली हैं, कनाडा में भी सक्सेसफुली बन गई हैं, यूके में भी है, हर तरफ क्लेम किया जा रहा है कि, और बड़ी ही तेजी से यह कार्य चल रहा है कि कोई ना कोई जो है वैक्सीन बनाई जाए। तो दोस्तों जब बात आती है कि जीनोम एक्सट्रैक्शन की, तो जैसे कि जीनोम एक्सट्रैक्शन हुआ, एलाइजा है और कई टेक्निक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की, उसमें मैं डीपली यहाँ पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी जो भी वीडियोस होती है मेरी कोशिश होती है कि जन साधारण तक जो है पहुँचे। तो एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट आई एम अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। तो अभी जैसे व्हाट्सएप आया मेरे पास, वो बड़े शुभचिंतक थे तो उन्होंने भेज दिया कि जी 12वीं की जो किताब है ऐसे ऐसे उसमें देखिए कोरोना के बारे में दी गई है, तो उसमें क्लोरोक्वीन और कुछ मेडिसिन का बताया गया था। तो वह ठीक है, वो एक्चुअली प्रायर नॉलेज है, वो लेटेस्ट नहीं है, वो बहुत 50 साल पहले की नॉलेज है। उस समय जो कोरोना वायरस था, दैट वाज ए प्लेन सिंपल खांसी जुकाम वाला इन्फ्लुएंजा टाइप ऑफ फीवर वाला कोरोना वायरस था, वो उसको मेंशन किया गया है बुक्स में। तो मैंने उनको प्यार से पहले तो तारीफ भी करी उनकी कि ठीक है आपने मुझे भेजा, और उसके बाद में मैंने धीरे से उनको लिख के भेजा कि ये जो हमारा प्रेजेंट कोविड-19 है, ये जो नोवेल है, नोवेल का मतलब न्यू, NEO, या बिल्कुल न्यू, NEW, न्यू, ये इस तरह से जो है वो नोवेल है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अभी डिफाइंड नहीं है, इसीलिए जो मेडिकेशन है उसका डिफरेंट है, अभी इतना पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है, जो पुरानी मेडिसिन है वो इफेक्टिव नहीं होंगी। बट एनीवे के शुभचिंतक थे और उनका अच्छा, देखिए अफेक्ट है लोगों का तो अच्छी बात है, सराहनीय है कि हम जो है सामाजिक तौर पर लोग इतने सजग हो रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। किसी बच्चे ने डेफिनेटली अपनी 12वीं की बुक में देखा होगा तो उसने कहा कि ये कोरोना के ऊपर देखिए इस तरह से है, तो अच्छा था, तो मैंने उनको मेंशन किया। तो इसी प्रकार से, लेकिन यहाँ हमें जानना ये जरूरी है कि जो प्रेजेंट कोविड है, जो 2019 वाला है कोरोना वायरस, ये जो है नोबल है और इसकी जो जीनोम है स्टडीज अभी हुई नहीं है और वो उस तरह से मेडिसिन को रिएक्ट नहीं कर पा रहा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली भी रिलेट करूंगी, लेकिन पहले एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है मेरा, कि इसमें जो है कोई ना कोई जो है आरएनए, ये प्लेन आरएनए नहीं है। अगर सिंपल आरएनए होता तो सिंपल आरएनए कोरोना का, तो सिंपल आरएनए जो अभी वो इतना
जो है लार्ज स्केल पे वह नुकसान नहीं पहुंचाता है, और वो एक पर्सन टू पर्सन जो है इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसका जो जो उसकी कंटेजियसनेस है वो पर्सन टू पर्सन इतना नहीं इंटेंसली पहुंचती है। तो डेफिनेट है कि इसमें कोई और जीनोम भी जरूर मिक्स्ड है। अभी जैसे कि आया कि पेंगोलिन टाइप का कोई एनिमल है और ये उसका भी जीन जो है इसमें माना गया है, हो सकता है पाया गया हो, और उस पर स्टडी हुई है, यूके में काफ़ी अच्छी स्टडी हुई है कि जो पेंगोलिन में जो है इस तरह का वायरस है, कोरोना वायरस है इस तरह का, तो वह स्टडीज़ भी निकल करके आई हैं। तो अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अभी एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मेरी जो इंस्टिंक्ट है वो थोड़ी सी एक्टिव हुई और मुझे भी लग रहा है कि मुझे एक प्रोजेक्ट जो है कुछ लिखना चाहिए और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भेजना चाहिए, डालना चाहिए। हालांकि 2012 में मैंने अपना करियर जो है एज ए साइंटिस्ट मैंने वाइंड अप किया और तब से मैं पूरी ही तरह से एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च में मैं हूँ, लगी हुई हूँ। तो दोस्तों, और ज़्यादातर हेल्थ एस्पेक्ट पे ज़्यादा काम मैं करती हूँ, मेडिसिन को लेकर के, उसको पत्तियों को देख करके कि हेल्थ पे जो है एनालिसिस पे ज़्यादा करती हूँ, जैसा मेरी वीडियोस आपने अर्लियर देखी भी होंगी। अब बात रही कि एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लेनेटरी मूवमेंट है उसके हिसाब से मेरा जो मेरी अपनी स्टडी जो एस्ट्रोलॉजी की कहती है, इसमें जो है किसी न किसी फ्लाइंग इंडिविजुअल, फ्लाइंग एनिमल, उड़ने वाला जंतु, उसका मुझे लगता है कि कोई जीनोम पार्ट जो है इसके वायरस के जीनोम में वो कहीं ना कहीं जो है जुड़ा हुआ है। इसमें फ्लाइंग में जो निकल कर के आया, तो मेरा जो विचार है वे एक तो बैट जो कि चमगादड़, और एक फ्लाइंग स्नेक भी हो सकता है। मैंने फिर काफ़ी बर्ड्स के ऊपर भी स्टडी करी कि कौन कौन सी बर्ड्स जो हैं वो इस तरह की कोई बर्ड ऐसी हो कि जो पॉइजनस हो, जो फ्लाइंग हो पॉइजनस हो, ऐसा मैंने स्टडी करने की कोशिश करी उस एस्पेक्ट पे भी। तो पर मुझे ऐसी कोई बर्ड की जो वैरायटी है, स्पीशी है, वो ऐसी मैं नहीं रिकॉग्नाइज कर पाई। तो जो है एक उसमें जैसे मॉस्किटो है, बैट है, फ्लाइंग स्नेक है, ये तीन जो जंतु हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली मैंने, मुझे लगता है कि इनका कहीं ना कहीं जीनोम जो है इसमें, इस जो कोरोना वायरस है उसमें जो आरएनए है उसमें कहीं ना कहीं उसमें कुछ सीक्वेंसिंग है जरूर। तो इसलिए इसका डिटेल जब तक ये पूरा जीनोम का सीक्वेंस नहीं आता, एक जीनोम एक्सट्रैक्ट करना दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो आपने एज इट इज़ जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया और उस पर हमने वैक्सीन को लेकर के काम करना शुरू किया। इसको मैंने अपने रिसर्च डेज में 90s में मैंने जो काम किया था वो वैम फंजाई जो था, जिसको कि अपग्रेडेशन ऑफ प्लांट्स जो हम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो है प्लांट ग्रोथ हो, तो उसको मैंने जो है हमने रैबिट में जो है इन्फेक्ट करके एंटीबॉडीज रेज करने की उस टाइम स्टडीज़ कुछ की थी PhD के टाइम में। तो इस तरह से इसका, इसलिए कंप्लीट जो सीक्वेंस है वह जानना अति अति अनिवार्य है। जब तक वो कंप्लीट उसका सीक्वेंस नहीं आता, क्योंकि फ्यूचर में भी हो सकता है कि ये म्यूटेट हो, तो इसलिए जो है वैक्सीन भी हमारी तभी सक्सेसफुल ज़्यादा होगी कि हमें जो है कंप्लीट जीनोम की स्टडीज़ पहले बहुत ज़रूरी हैं। और आई एम वेरी श्योर कि भारत सरकार ने ऑर्डर्स किए होंगे और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इस फील्ड में कार्यरत हैं, और जब तक जब ये जीनोम कंप्लीट आ जाएगा तो इस पर जो है वैक्सीनेशन हमारा हो, और तो शुभकारी रहेगा, क्योंकि एक कंप्लीट रेंज जो है हमें पता चल सकेगी और उस पर जो मेडिसिन बनेगी वो इफेक्टिव रहेगी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो आज से बहुत सुंदर अभी हो गया है, क्योंकि बृहस्पति जो है मकर राशि में मूव कर गए हैं, ट्रांजिट हो गया है उनका, तो शनि के साथ में मिलकर के हेल्थ एस्पेक्ट पे ये एक अच्छा वक्त है, अच्छा टाइम है। और दूसरी बात, जो शनि, वो एक दूसरी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि किस तरह से और ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये इस वर्ष में ये फिर जो है सिचुएशंस कुछ ऐसी बनेंगी, और अगली क्षेत्र, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी कि जो 2078 संवत्सर आएगा तो उसमें हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो 2078 जो कि क्षेत्र जो है 21, तब तक एक दो बार बीच बीच में और ऐसी सिचुएशन बनेगी कि कंटेजियस डिजीजेस हो सकती हैं, फिर से जो है अपना सिर ऊंचा करें और वो फिर से फैलें। तो इसलिए हमें इस पे, हमें बहुत ही सीरियसली
जो है मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी इस माध्यम से कि अगर किसी भी तरह मेडिकल स्टाफ तक और स्टेट लेवल तक ये और या सेंट्रल लेवल तक पहुंचती है कि सरकार को कंप्लीट जीनोम स्टडीज करने पे जो है रिसर्च जो है फंडिंग करनी चाहिए और रिसर्च प्रोजेक्ट्स अच्छे बनने चाहिए, उस पर कार्यरत होना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बताना जरूरी समझा क्योंकि वो व्हाट्सएप मैसेज मुझे आया था तो मुझे लगा कि ये जरूरी है कि इसके ऊपर भी एक वीडियो होनी चाहिए कि जीनोम क्या चीज़ है और किस तरह से ये जनसाधारण तक हमें पहुँचे जो नॉन साइंटिफिक हैं और उन तक भी ये पहुँचनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।